हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपला केम ओजेट सस्पेंशन के बारे में। सो दोस्तों, ये जानेंगे कि इस सस्पेंशन का यूज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और बच्चों में इसकी सही डोज क्या है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियोज़ हम अक्सर लेकर आते रहते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले हम बात करें ओपला केम ओजेट सस्पेंशन के साल्ट के बारे में, तो इसमें ओप्लॉक्सासिन 50 mg पर 5 ml होता है और मेट्रोनिडाजोल 100 mg पर 5 ml होता है। अगर दोस्तों हम बात करें इस सस्पेंशन के यूज़ के बारे में, तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, जब बच्चों को बार बार पोटी आती है, बार बार जो है उन्हें मल त्याग करना पड़ता है, जिस कारण माताएँ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो है इस ओपला केम ओजेट सस्पेंशन का यूज़ सबसे ज़्यादा करवाया जाता है। वैसे दोस्तों, इस सस्पेंशन का यूज़ सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जगह किया जाता है। जैसे कि यदि बच्चे को निमोनिया है तो निमोनिया के कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चे को दस्त आता है तो दस्त में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसका प्रयोग यदि छोटे बच्चों में दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो उस कारण यदि बच्चों को दांतों में नॉर्मली इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग करवाया जाता है। यदि बच्चों को पेट संबंधित कोई इन्फेक्शन है, तो उन कंडीशन में भी जो है बच्चों को दिया जाता है। यदि बच्चे बार बार पोटी करने जाते हैं और बार बार पोटी करने के कारण वो दुबले पतले से होने लगते हैं और दिन में 4 से 5 बार उन्हें पोटी करने जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। और दोस्तों, अगर हम इसके यूज़ की बात करें, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओप्लॉक्सासिन जो है एक एंटीबायोटिक है, और ओप्लॉक्सासिन का प्रयोग जो है हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, तो ओप्लॉक्सासिन बैक्टीरिया को किल करता है। और दोस्तों, इसमें जो मेट्रोनिडाजोल है, ये कहीं ना कहीं हमारे पेट संबंधित जो डिजीज़ होते हैं उनको रोकने का काम करता है, और इसे पेट का एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। यदि पेट संबंधित कोई संक्रमण हो रहा है तो मेट्रोनिडाजोल जो है काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके जो है डोज के बारे में, कि छोटे बच्चों को जो है इसका डोज किस प्रकार से दिया जाता है। वैसे तो छोटे बच्चों को जो डोज दिया जाता है, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दिया जाता है, लेकिन यदि आपका बच्चा 3 से 6 महीने का है, तो बेसिकली जो है आप 5 ml सुबह शाम इसका डोज दे सकते हैं। यदि बच्चा 6 से 12 साल के आसपास है, तो मिनिमम जो इसका जो डोज है वो 10 ml सुबह शाम दे सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।